इन काले कानूनों को काला क्यों कहते हैं किसान? होर्डिंग से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होगा। होर्डिंग से क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो कालाबाजारी बढ़ेगी। सरकारी जिस चीज से आपको कमाई हो रही है, जिस चीज से आपको टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी नौकरियां आ रही है, किसानों को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, उस चीज में आप प्राइवेट आदमी को जानबूझकर घुसा रहे हो। नमस्कार, मैं जितेंद्र राठी, बहादुरगढ़ टेकरी बॉर्डर से, आप लोगों को आज इन कृषि कानूनों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इन काले कानूनों को काला क्यों कहते हैं किसान? पहली बात, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होर्डिंग प्राइवेट प्लेयर को अलाउड नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना का महामारी चल रही थी, मोदी सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत थी जो इन्होंने एक अमेंडमेंट ला के और एक कृषि काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए। होर्डिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होगा। पहले किसान को अपनी फसल जब वो उगाता था, वो स्टॉक नहीं कर सकता था, वो अपनी फसल को मंडी में ले जाके सरकारी दाम पे या फिर जो भी रेट चल रहा होता था उस पे बेच देता था। लेकिन अब होर्डिंग इन्होंने इस काले कानून में, पहली बात तो ये क्लोज हटा दिया है और इन्होंने होर्डिंग अलाउ कर दिया प्राइवेट आदमी को। होर्डिंग से क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो कालाबाजारी बढ़ेगी। कोई भी फसल है, अगर मैं उसको एक साल के लिए, दो साल के लिए बाजार से उठा के स्टोर कर लेता हूँ, तो तीसरे साल में जायज़ बात है कि उसका रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड उसकी होगी वो रहनी है और सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई के गैप आने के बाद जो प्राइवेट प्लेयर इसको स्टॉक कर रहा है, वो अपनी मर्जी से इसके रेट तय करेगा, अपनी मर्जी से इसको रेट पर बेचेगा और आम आदमी को उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, जब सरकारी मंडियों की व्यवस्था आपके देश में है, आपके पास है, आपके ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तो आप प्राइवेट आदमी को क्यों इस मामले में घुसा रहे हो? जिस भी मामले में आप, जिस भी सेक्टर में आप प्राइवेट आदमी को घुसाते हो, सरकारी जिस चीज़ से आपको कमाई हो रही है, जिस चीज़ से आपको टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी नौकरियाँ आ रही है, किसानों को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, उस चीज़ में आप प्राइवेट आदमी को जानबूझकर घुसा रहे हो। आपने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे एयरपोर्ट भेज दिए, हाईवेज भेज दिए, PSUs भेज दिए, जो भी कंपनी आपको कमा के दे रही थी, आपने नवरत्न कंपनी जो LIC कंपनी थी वो भी बेच दी, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। अगर आप देश नहीं चला सकते, देश की आर्थिक व्यवस्था को आप नहीं संभाल सकते, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे हमारे देश को इन चंद उद्योगपतियों के हाथ में क्यों बेच रहे हो? चलिए, ये तो होगी काले कानूनों की बात। अब सरकार किस तरफ चल रही है इस आंदोलन को खराब करने के लिए? आप सरकार के हथकंडे देखिए, और गोदी मीडिया इनका जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चलाता है वो ये है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक है और किसान जो कर रहे हैं वो गलत है। इन्होंने शुरुआत की कि सिर्फ पंजाब का किसान यहाँ उठ के आया है, हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का किसान, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्होंने ये देखा कि हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, यूपी का किसान भी उठ के आ गया, फिर उन्होंने नया हथकंडा अपनाया। इन्होंने 26 तारीख का, जो इन्हीं के कुछ आदमी घुसे थे इस आंदोलन में, और निशान साहिब का झंडा फहराया जिन्होंने, उन्होंने ऐसा प्रोपेगंडा चला दिया कि ये तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, ना तो एक किसान जो बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ना तो खालिस्तान की मांग है, ना कोई और मांग है, ना CANRC की कोई मांग है, सिर्फ काले कानून रद्द करने की मांग है। जो आज तक ये आंदोलन चलता रहा वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है क्योंकि हम अपनी मांग पर अड़िग हैं, ना तो हम इस आंदोलन के पीछे कोई और प्रोपेगेंडा है, ना इस आंदोलन के पीछे ना कोई और मांग है, सिर्फ ये काले कानून आप रद्द कर दीजिए, सिर्फ यही मांग। तीसरा हथकंडा है इनका जातिवाद। देखो, किसान किसानी कौम के साथ कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो ना जुड़ी हो। आड़त से लेके उठाने वाले लेबर तक हर एक अलग जाति का होता है। जो खेती कर रहा वो सिर्फ किसान है। जातिवाद इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें हर जाति का इंसान जुड़ा हुआ है, चाहे वो अब गोदी मीडिया कुछ भी बोले, चाहे खापों को बुरा बोले, चाहे राकेश टिकैत जी को बुरा बोले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस आंदोलन के साथ अब आम जन जुड़ चुका है और आम जन की यही भावना है कि इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके मोदी सरकार ये काले कानून वापस ले और एक खुशी खुशी अपने किसान बैसाखी मनाते हुए, त्यौहार मनाते हुए अपने अपने घरों को चले जाएं। इन्होंने खूब कोशिश कर ली, इनके आंदोलन के बीच में हर तरह के लोग घुसा के देख लिए, हर एक तरह का प्रोपेगेंडा चला के देख लिया, लेकिन ये किसान और हम जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते, यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे डटे रहेंगे। ये आम जन की भावना है
कि अब एक काले कानून रद्द कर देने चाहिए। इतनी सरकार में किस बात की मरोड़ आ गई है, इतना किस बात का घमंड आ गया है? क्या वो किसान का हुआ अनाज नहीं खाते? क्या वो किसान का उगाया हुआ फल नहीं खाते? क्या वो किसानों से आया हुआ ये दूध नहीं पीते? किस बात की इतना घमंड कर रही है सरकार? मान लिया कि अडानी अंबानी आपकी स्पॉन्सरशिप करते हैं, आपको पैसा देते हैं, लेकिन आखिरी में तो आप रोटी ही खाते हैं। चाहे जितना मर्जी आप हाईटेक हो जाइए, रोटी डाउनलोड नहीं होगी, ये खेत से ही आएगी। और अगर किसान नहीं रहा तो फिर देश भी नहीं रहेगा। हमारा देश जब सब हर तरह के आपातकाल से भी जूझ रहा था, या ये कोरोना का महामारी चल रही थी, जब कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लीजिए, सारों की जीडीपी डाउन थी, सिर्फ एक कृषि सेक्टर ऐसा था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी। अब सरकार के दिमाग में क्या आया कि इस सेक्टर के पीछे भी पड़ जाए? जो आम जन से जुड़ा हुआ, गरीब से, मजदूर से जुड़ा हुआ है, उस सेक्टर के पीछे भी पड़ गए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यूं दिख रहा है कि हाँ, हमारे उद्योगपति भाइयों को इसमें कोई घुसने नहीं दे रहा। ना तो इसके अंदर हमें उद्योगपति कोई चाहिए, ना इसमें कोई कॉरपोरेट चाहिए। कॉरपोरेट तो नाम ही ऐसा हो गया जो अपना अपना सोचेगा, जिसको प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। किसान के लिए सरकार को नियम ऐसे बनाने चाहिए कि उसकी MSP की गारंटी हो, उसकी खरीद फसल की खरीद की गारंटी हो, उसकी पेमेंट की गारंटी हो, उसकी जल्दी पेमेंट हो। लेकिन आप कानून ऐसे बना रहे हैं कि हाँ, किसान भाई फसल अपनी जहाँ मर्जी बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। जब आज ही उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो बाद में क्या, कहाँ बेचेगा बेचारा? अब आज एक किले का किसान जो होगा, वो अपनी फसल ले जाके अगर दिल्ली में उसको रेट फालतू मिल रहा है, राजस्थान उसको रेट फालतू मिल रहा है, वहाँ थोड़ी जाएगा। उसकी तो मजबूरी होगी कि उसको एक किले का जो उसकी फसल है वो अपनी लोकल मंडी में बेचनी है। आप लोकल आदमी को मजबूत करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए ना, आप अपने कॉरपोरेट भाइयों को इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मजबूत करने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तैयार कर रहे हैं? कानून बनने से पहले ही अडानी जी के गोडाउन तैयार हो जाते हैं, कानून बनने से पहले ही फ्यूचर रिटेल को अंबानी टेक ओवर कर लेता है। मतलब सरकारी खजाने को लूटने के लिए आपने इन दोनों आदमियों को चुन लिया है, आम जन को लूटने के लिए आपने इन दोनों आदमियों को चुन लिया है कि हाँ भाई, होर्डिंग तो आप करोगे अडानी जी, और रिटेल में आप बेचोगे अंबानी जी। जो रेट आज 1925 रुपए है, अगर आप इसे किसानों की मानकर, जो आज MSP का रेट होना चाहिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3300 रुपए, अगर आप इसे आज 3300 रुपए कर देते हैं तो आपके ये अंबानी अडानी भाग जाएंगे क्या? बताइए, तब भी ये फसल खरीदेंगे क्या किसान की? ये नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनको रेट आज वाला देना चाहते हो, और इनकी जो MRP होगी उसके ऊपर कोई लगाम नहीं होगी। ये चाहे 19 रुपए किलो का गेहूं लेके 50 रुपए किलो बेच सकते हैं। इसी लूट के लिए तो किसान लड़ रहा है, इसी लूट के खिलाफ ही तो लड़ रहा है। आप लोगों से, मेरे भाइयों से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हाथ जोड़ के ये विनती है, अपने भाइयों के साथ, अपने बाप दादाओं की कमाई के साथ, अपनी विरासत के लिए इन काले कानूनों के खिलाफ खड़े होइए। आम जन जब तक इस काले कानून के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, ये मोदी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तब तक इनके दिमाग में से जो कॉरपोरेट की गर्मी है ना, ये नहीं निकलेगी।